Shiva, Om Namah Shiva. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बम मारेगी तो काट के फेंक दूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तेरी तो चुप कर। जाके टैक्सी में बैठ जाओ। अरे जोसेफ इस्माइल बंता सिंह मदन जरा आना तो सही। राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। बस यहां रोक दीजिए। इधर मत देखिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैंने कब मांगे आपसे? मेरी सूरत उम्मीद है आपने नहीं देखी होगी,
और मैं विनती करती हूँ, देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी और मैं कहाँ रहती हूँ ये भी आपको पता ना चले तो अच्छा है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए ये कोट। अगर आपको वापस चाहिए तो अपना पता बता दीजिए। सिर्फ एक कोट वापस लेने के लिए तो मैं आपको अपना पता नहीं बताऊंगा। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइएगा ना। जी नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ कि किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगा। धन्यवाद। मेरा घर जो कि नजदीकी है उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि आप यहाँ से चले ना जाएं। अच्छी बात है, मगर जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आइंदा बी केयरफुल हुम यू लाइक एंड हुम यू ट्रस्ट। गुड बाय। विजय तुम्हारे कोट कोता है 55 गिल्ली जो मुझे 55 में पहुंचा। लेकिन तुम्हारे कोट कोता है बाबा, कोट गिरवी रख दिया। बेर बेर सुलेमान चाचा आओ। हाँ मुन्ना। अरे साला कोट क्या हुआ तुम्हारा? वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस गरीब की फरियाद तो सुन लो। कब से हाथ जोड़े खड़ा है, तब तक मैं इसके कलपुर्जे ठीक करूँ। मेरा प्लग देखो इसके। क्या हुआ रे रोनी सुना? मैं तो मारा गया। हुआ क्या, कुछ बोलेगा भी? चाची कहते हैं नो पार्किंग का दंड 50 रुपए हमको भरना पाऊ। वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। और मैं तो मारा हूँ चाचा। काश तुम सारे ड्राइवरों को मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ट्रैफिक के कांस्टेबल को 50 रुपए रिश्वत दो मैं भरूंगा, इंस्पेक्टर को 100 रुपए रिश्वत दो मैं भरूंगा, मगर अदालत का जुर्माना मैं नहीं भरना। चाचा 150 की बात नहीं है तो 50 रुपए की गल लगी है। 25 रुपए की बात नहीं प्रकाश, ये असूल की बात है। और मेरा असूल है कानून को तोड़ना, रिश्वत देकर जुर्माना भर के नहीं। कानून की हिफाजत करने वाले और कानून को तोड़ने वालों का एक होना बहुत जरूरी है, और उन्हें एक करने का एक ही तरीका है, रिश्वत। वाह 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 वाह, ठीक कर दी मेरे मुन्ने। रिश्वत देकर ठीक किया चाचा। अरे वो सारा कोड क्या हुआ तेरे, बताया नहीं तूने? एक कस्टमर को रिश्वत ना दे दी। बड़ा हाजिर जवाब हो गया। अरे अरे ओ मुंशी, वो सारी 32-95 आई के लिए आरटीओ से पास होके आ गया। चाचा आ गया, मौके 200 रुपए बेची लिया ऑफिसर ने। अरे रिश्वत में दिया ना, दुगने होके वापस आएंगे साले। क्या करूं मालूम, डांटूं या समझाऊं तुम्हें? आशा, किसी भी अपने से इतना नहीं डरना चाहिए कि उससे कुछ छुपाना पड़े। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमसे बड़ा हूं, फिर भी तुम्हें मेरी इतनी इज्जत नहीं करनी चाहिए कि उसे निभाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े। जिंदगी में ऐसा कोई काम कभी मत करना जिसके लिए किसी के सामने गर्दन झुकानी पड़े। भैया। अरे पगली, देख आजकल एग्जाम के दिनों में मैं रोज 4 घंटे टैक्सी चलाता हूँ ताकि बाबूजी का बोझ हल्का कर सकूं। ऐसे हालात में अगर हम दोनों में से कोई फेल हो जाए तो? नहीं भैया,
मैं वचन देती हूँ मैं फेल नहीं होंगी। मुस्कुरा कर कहो तो समझू। मेरी चीजें दे दो ना। तुमसे लिए जो तुम्हें दे दू, मैंने तो जमीन से उठाई है। लेकिन अगर बत्तीसी बताओ तो सोचा जा सकता है। भैया प्लीज प्लीज ये ले। अरे भैया तुम्हारा कोट क्या हुआ? दरअसल दुनिया नंगेपन की तरफ जा रही है ना, उसी के एक हिस्से को अपने कोट से ढांप दिया। अच्छा तू जा, बहुत देर हो गई है। हाँ लेकिन सुन, बात सुन, ये माँ को दे देना। अच्छा और कल कौन सा पेपर है तेरा? इंग्लिश। इंग्लिश का? वो तो तुम्हारा इजी सब्जेक्ट है। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। और देखो माँ को कह देना खाना परोस कर सो जाए, मैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद खा लूंगा। अच्छा भैया। डेनी नहीं आया आज? आया तो लाइब्रेरी में भेज देना, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। विजय हाय। और तबला मास्टर डेनी आया क्या? डैनी बाबू आज कैसा आएगा जी? आज तो लॉटरी का रिजल्ट खुल गया है ना, वो किसी कोने में बैठ के अपना नंबर ढूंढ रहे होंगे। अरे विजय तू कब आए? अभी अभी आया यार। पेपर कैसा रहा? अरे यार तुमसे तो क्या पूछना यार, तुम्हारा तो हमेशा ही अच्छा होता, मगर देखो आज अपना भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए सोचा अच्छा दिन है, लॉटरी का रिजल्ट भी आ गया, एक आध फर्स्ट प्राइज तो आ ही गया होगा। मगर कहाँ यार, देखो यार मैं कितने लोगों के नाम से टिकट खरीदता हूँ। देखो देखो कमल, राजेंद्र, दिलीप, साइलेंट अंकल, विजय, तुम। यार अपने नसीब में नहीं तो किसी और के नसीब से ही आए। और अगर किसी और के नसीब से आ गया तो क्या करोगे? जिसके नाम से आया उसे दे दूंगा। और अगर वो ना ले तो? 3 लाख रुपए आजकल के जमाने में कौन छोड़ता है यार। हाँ मगर एक बात है, तुमसे डर लगता है, तुम ठहरे आदर्शवादी उसूल के पक्के इंसान, तुम इनकार कर सकते हो, मगर देखो ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम्हारे नाम से आया तो तुम्हें लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। अरे बाबा रे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे नाम का वाकई फर्स्ट प्राइज आ गया हो। आएगा प्यारे, एक दिन जरूर आएगा, और उस दिन तुम्हें मजबूर कर दिया जाएगा कि तुम इनकार नहीं कर सकोगे। अच्छा जी हाँ, एनी बेट? आप जाओगे प्यारे? तुम, मैं नहीं। अच्छा बाबा अब तो मैं ही हार गया, चलो मुझे काम है तुम्हारे साथ जरा। यार 2 मिनट जरा रीचेक करूं, शायद कोई नंबर लग गया हो। अच्छा देखो मेरा एक काम करो, अशोक नाम का लड़का आर एस माच कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करके कल शाम तक मुझे दो। अरे रे 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 यार, ध्यान लाखों में है यार, सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या नाम बताया? अनिल क्या? अरे अनिल नहीं, किसका नाम ले रहे हो? अनिल नहीं, अशोक। अशोक बताओ, अशोक? अशोक आर्य समाज कॉलेज फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर अशोक आर्य समाज कॉलेज। ओके ओके डन। ओके अरे मुझे क्या बताओ, महेश का बच्चा ऐसी कॉपी कर रहा था, वो मुझे नर्वस करा रहा है, ऐसा घूर रहा था कि जैसे बस। अंजू हाँ, ये साल तो मैं रह गया, और शायद लगता है इसका जो भी मैंने गलत दिया होगा, अब क्या होगा? क्या होगा, जो होना था हो गया, अब क्या? यार लड़कियां हैं, पास तो हो जाएंगी। अच्छा
भैया जी एक आइसक्रीम निकालना। हाँ, जल्दी लाओ। हाँ जी। अरे भाई कोई भी दे दो, क्या कर रहे हो? अरे भाई मेरी बस निकल जाएगी, देखो। अरे टिकट। अरे अंजू तूने बताया नहीं कि तेरी कमर में जख्म कैसे हुआ? चाकू से। चाकू से? कौन से चाकू से? क्या मतलब? आई मीन सब्जी काटने वाले चाकू से या नहीं, बकरे काटने वाले चाकू से। स्टॉप आ गया। अच्छा अच्छा बाय बाय बाय। मगर आपने कैसे पहचाना मुझे? ठीक समझा आपने। मगर आप तो टैक्सी। रोज रात 7 से 11 टैक्सी चलाता हूँ और दिन में पढ़ता हूँ। मैंने सोचा था जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आपकी शक्ल देखकर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अन्याय हो जाता अगर आप इस इरादे में कामयाब हो जाती तो। जी सच कह रहा हूँ। अब क्या घर तक मेरा पीछा करेंगे आप? जी नहीं, बस स्टॉप पे आपको पहचाना तो शक्ल देखने की इच्छा हुई, शक्ल देख ली तो बात करने की इच्छा हुई, बात कर ली अब कोई इच्छा नहीं है। अब अरे हाँ, आपका कोट पता दे दीजिए, पहुंच जाएगा। अगर वादा करती कि आप लेकर आएंगी तो ये रहा पता। वादा तो नहीं करती, फिर भी कोशिश करूंगी। मैं दुआ करूंगा आप इस कोशिश में कामयाब हों। क्या आप आज भी उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक मैं यहाँ से चला नहीं जाता? जी फिलहाल तो इरादा यही है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा गुड बाय। बाय। हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। देखती है तेरी माँ की आंखें खराब हो गई, कपड़े सीते सीते मेरे सर के बाल पक गए, क्लर्की करते करते किसी तरह रोध होकर फीसों और किताबों का खर्चा पूरा होता है, इम्तहान खत्म हो गए, उसके बाद इनको पिकनिक टूर पर जाने के लिए 30-30 रुपया चाहिए, नहीं दे पा रहा, एक धमकी देता है घर छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरा कहता है 60 रुपए नहीं दे सकते तो पैदा क्यों किया था।
घर में पैसे नहीं है तो क्यों तंग करते हो डैडी को? क्यों नहीं है पैसे? ये बातें हमें पैदा करने से पहले सोच लेनी चाहिए थी। जो इस वर्ल्ड में आता है उसका सिर्फ पेट नहीं, दिल और दिमाग भी होता है। अंडरस्टैंड? शर्म नहीं आती तुम्हें डैडी से इस तरह की बातें करते हुए? मेरे मुंह मत लगाओ अंजू, आई एम वार्निंग यू। मुझे सच्ची बात कहने में कभी शर्म नहीं आती। अगर 30 रुपए नहीं दे सकते तो भूल जाओ मुझे, पकड़ में। हाँ हाँ भूल जाएंगे, तुम्हारी जैसी औलाद को भूल जाना ही अच्छा है जो घर की शांति की दुश्मन बन चुकी हो। डैडी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। तुम्हारे जैसे बेटों से हर घर में तेरे जैसी बेटी होना कहीं अच्छा। अंजू मां, शाम को 5 बजे मैं लाइब्रेरी में मिलूंगी। विजय? हाँ बाबू जी, आशा के रिश्ते के लिए दो एक तस्वीरें आई है, जो देख लेना बेटा। बाबू जी इस वक्त तो मुझे कॉलेज जाना है, शाम को देख लूंगा। हाँ हाँ कभी भी देख लेना। हेलो हेलो, जख्म कैसा है आपका? ठीक हो गया। कोट लेकर सुबह आप क्यों नहीं आई? फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे आपसे दोबारा मिलना चाहिए या नहीं। क्यों? पता नहीं, जब मैं आपसे मिलती हूँ तो अपनी नजरों में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगती हूँ। इसका तो बहुत आसान इलाज है, जब भी आप मुझसे मिले अपने आप को अपनी नजर से नहीं मेरी नजर से देखिए। कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अंजू जी आप मजाक तो नहीं कर रहे? अंजू जी जो बातें इंसान आमतौर पर 5 या 10 मुलाकातों के बाद कहता है वो मैं आज तीसरी मुलाकात में कह देना चाहता हूँ। कहिए। मुझे आप अच्छी लगती हैं, मेरा जी चाहता है आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, आपके साथ रहूं। अगर इसे प्यार कहा जा सकता है तो। मिस्टर विजय, व्हाट अ ट्रेजेडी, आपको तो मेरा नाम भी नहीं मालूम। विजय जी, जो कुछ आपका दिला चाहता है मुझे और नजदीक से देखने और जानने के बाद कल भी चाहेगा क्या? अंजू जी, जिंदगी आज है, ना गुजरे हुए कल में है ना आने वाले कल में है। अभी ये पल जब मैं आपके सामने और आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य। कमाल है विजय साहब, आप यहाँ विराजमान हैं और हम आपको रेस्टोरेंट में ढूंढ रहे हैं। और डेनी, ये मेरा दोस्त डेनी और आप हैं अंजू जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपके नाम का भी एक टिकट जरूर खरीदूंगा जी। इसे लॉटरी के टिकट खरीदने का बड़ा शौक है, अपने नाम का फर्स्ट प्राइज नहीं मिला अब दूसरों के नाम पे खरीदता है। तब तो मेरे नाम की मत खरीदेगा, बेकार रुपये का नुकसान होगा। 1 रुपये तो अंजू जी किसी का भी मुकद्दर आजमाने के लिए खर्चा जा सकता है। हाँ भाई विजय, ये रही वो तुम्हारे अशोक के बारे में सारी जानकारी। थैंक यू। और सुनाओ यार, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? यार वो नारीमन की नकल मार के पार हो गए। वाह बेटा, नकल मारना भी शुरू कर दिया। विजय साहब, जिनके यहाँ ये नहीं होता है ना, उनका काम या तो नकल मार के होता है या यहाँ से होता है। पेपर नकल मार के कर लिए और ये आजमाने के लिए लॉटरी जिंदाबाद। अच्छा मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ, कम आइए आइए, चलिए चलिए।
आप ये सोच रही ना कब पीछा छोड़ूंगा आपका? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल हर पल हर घड़ी आपके साथ रहने को जी चाहता है। और आप इतनी जल्दी इस कदर? पहचान की बात है, जब मंजिल को पहचान लिया तो हिचकिचाहट कैसी, क्यों? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा। बाय बाय। बेटी तेरी माँ ने दिन भर कुछ नहीं खाया, मैं भी सुबह से परेशान हूँ। वो कल का गया, अभी तक वापस नहीं लौटा। आप चिंता ना कीजिए डैडी, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। मैं भी जाकर उसे लेके आती हूँ। आ रही है बेटी, नमस्ते। रमेश घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा, 30 रुपए लाए लो। घर चलो रमेश। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आशा जी। भैया, ये अशोक एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा है, तुम जानती हो ना? हाँ भैया। और तुम एक बहुत ही गरीब इंसान की। भैया, मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया। वो तुमसे शादी करना चाहता है। देखो आशा, ये अमीरी और गरीबी के झगड़े में नहीं। भैया, उनका कहना है अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। अच्छी बात है। बाबूजी सो गए या जाग रहे हैं? शायद जाग रहे हैं। मैं अभी आया। अरे विजय, तू आ गया बेटा, मैं तुझे ही देखने जा रही थी। खाना परोसू? हाँ माँ, खाना परोसो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा माँ। क्या है बेटा? ओ बाबूजी, क्या है बेटा? अब आप आशा की चिंता छोड़ दीजिए, मैंने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, कैसा है लड़का? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तुमसे भी अच्छा। रात हो गई है, सो जाइए बाबूजी। अपनी तारीफ सुनना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, ये खूबी है उसमें। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। नहीं अमिता, अपने आगे नहीं पढ़ूंगी, कोई नौकरी तक छूंगी। क्यों, तुम भी नौकरी करोगी? और नहीं तो क्या, जब आगे पढ़ने के साधन नहीं है तो क्या करोगी? अरे अंजू नमस्ते। कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं सहेली साथ है, मैं चली जाऊंगी। देखिए मैंने आपके नाम का टिकट खरीदा है, तैयार रहेगा, 3 लाख रुपए मिल भी सकता है। आप चिंता न कीजिए, मुझे भरोसा है नहीं मिलेगा। आपके दोस्त कहाँ है? कौन, विजय? कॉफी हाउस में होगा, नहीं तो लाइब्रेरी में होगा। चलना है, आइए। मगर ये इनको भी साथ ले लीजिए, इसमें क्या बात है। अंजू तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। आई शो भैया। ओके बाय बाय। बैठे बाय 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 बाय। अरे आप आइए, आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? आज अपने पास नानीमन के स्कूटर है और उसमें पेट्रोल भरा हुआ, तो तफरी करने का सबसे अच्छा मौका है कि नहीं? ओके ना, ओके गुड बाय। आइए। आपके दोस्त बहुत हंसमुख है। ये एक ऐसा दोस्त है जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, बहुत ही भरोसे का आदमी है। आपसे भी ज्यादा।
और सुनाइए, आपका भाई कैसा है? घर पे ही है ना? जी हाँ, घर पे ही है। यहाँ कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, चलो कहीं और चलें। चलिए चलिए। रिजल्ट के बाद पता नहीं कितने दिनों तक लोगों के दफ्तरों की खाक छाननी पड़ेगी। नौकरी जब मिल जाएगी उसके बाद? उसके बाद आशा की शादी। उसके बाद? उसके बाद, उसके बाद इंतजार करूंगा। किसका? उस मुलाकात का जब आप मुझसे कहेंगी आपको मुझसे। ऐसी बातें कही नहीं जाती। तब तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ साबित हुआ ना? ये बात तो मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। अब भी देर नहीं। अरे भाई बड़े ही खुश नजर आ रहा है आज। चाचा पहले मुंह मीठा करो, मैं पास हो गया हूँ। अरे मुबारक मुबारक मुबारक, अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। चाचा अब टैक्सी नहीं चाहिए होगी। क्यों भाई? पास हो गया हूँ ना, नौकरी तलाश करनी होगी और मिल जाने पर ना वक्त रहेगा ना जरूरत। ठीक है बेटे, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, मगर आते जाते रहना। हाँ ये भी कोई कहने की बात है चाचा। अच्छा नमस्ते। We are in receipt of your letter dated 2671. हाँ डार्लिंग। अरे तुम यहाँ? मुझे इनके साथ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बुला लूंगा मिस सुनीता। डार्लिंग तुमने रवि को फोन किया? रवि को फोन? ओह मुझे मालूम था तुम भूल जाओगे। अगर तुम्हें याद न दिलाऊं तो तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। प्लीज करो ना फोन। मगर किस लिए? लो ये भी फूल के, मेरे कजिन की सर्विस के लिए। ओहो डार्लिंग, मगर तुम्हारा कजिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? सीख जाएगा धीरे धीरे। करो ना फोन, तुम रिकमेंड तो करो। डैनी साहब कौन? अंदर बुलाया। आर यू मिस्टर डैनी? यस सर, दैट्स मी। Please sit down. Thank you, sir. Yes, Ravi here. Ravi, मैं इंद्रनाथ बोल रहा हूँ। Yes, sir. मैं तुमसे कहना भूल गया। हमारे यहाँ जो वैकेंसी है उसके लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं। मेरे पास आदमी है। Yes, sir. Very well, sir. हाँ तो आपने लेटर ड्राफ्टिंग का भी कोर्स किया है? जी। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल, सात जुबानें जानते हैं आप? जी हाँ। मगर किसी बड़े आदमी को नहीं जानते, किसी की सिफारिश नहीं ला सकते, कोई इन्फ्लुएंस आपके पास नहीं है। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर। I'm sorry, Mr. Vijay. एक नहायत ही डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी बिना किसी सिफारिश या डिपॉजिट के मैं आपको जगह नहीं दे सकता। मगर सर सिफारिश और डिपॉजिट की ये शर्त इश्तिहार में तो नहीं दी आपने? ऐसी बातें इश्तिहार में नहीं दी जाती मिस्टर विजय। One has to understand it. Yes, miss. Have you finished? No, sir. Speech 45. Experience nil. No recommendation. Miss Anju, सर्विस क्यों करना चाहती हो? सर बात यह है कि मेरे दो छोटे भाई पढ़ते हैं और डैडी की इनकम
कोई खास नहीं है। Means you need it badly. Very badly, sir. All right. कर से जाम कर लो। For the time being, तो मैं 350 का start दूंगा। Thank you, sir. फिर देखते हैं। Thank you very much, sir. पास होने की मिठाई तो खिला दी थी, ये किस बात की? पहले मुंह खोलो फिर बताऊंगी। अरे यार जल्दी करो, जरा मुंह में पानी आ रहा है। मुझे नौकरी मिल गई। कांग्रेचुलेशन। सच भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। नौकरी मिल गई। विजय बाबू नमस्ते। नमस्ते। मुझे जानते हैं ना आप, मैं अशोक हूँ। हाँ आइए, कम इन। मैं भी आपको जानता हूँ और मेरा ख्याल है हम दोनों एक दूसरे को आशा के जरिए जानते हैं। ठीक ख्याल है तुम्हारा। मुझे जो कुछ भी आशा ने आपके बारे में बतलाया है वो सब जानने के बाद मैं अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं। विजय बाबू, मैं आशा से प्यार करता हूँ, उसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात का विश्वास करेंगे ना आप? जरूर करूंगा अशोक, लेकिन सोच लो बहुत मुश्किलें आएंगी, उनका सामना कर सकोगे ना? सामना ही नहीं विजय बाबू, मुकाबला कर सकूंगा। और भरोसा रखिए जीत हमारी ही होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट अशोक। थैंक यू वेरी मच विजय बाबू। बस यही कहने आया था, आप चलता हूं। You are the most deserving candidate, Mr. Danny. Thank you, madam. आप एक काम क्यों नहीं करते? जी फरमाइए। आप शाम को मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? In the meantime, मैं अपने सबॉर्डिनेट से भी कंसल्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। जी कितने बजे आऊँ? Round about dinner time, 8:30. जी अच्छी बात है, मैं आ जाऊँगा। Thank you very much, madam. All the shares of syndicate enterprises should be purchased in the name of my other concerns. That's all. All right, sir. Miss Anju. Yes, sir. Come here, please. I have started liking you. Thank you, sir. I am a lonely man, Miss Anju. Can you spare some time in the evening for me? जी करना क्या होगा सर? Have dinner with me? जी दरअसल बात यह है कि ये मत सोचो कि अगर तुम ना करोगी तो तुम्हारी सर्विस चली जाएगी। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर तुम आ सको तो 8:30 बजे 3 SS में डिनर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डिनर का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नौकरी की उम्मीद जरूर है मुझे। डैनी अगर घर पर बुलाया तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, डिनर नहीं तो ड्रिंक्स। देखो विजय साहब बात है, डी फॉर डिनर, डी फॉर ड्रिंक्स, डी फॉर डैनी, डा 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 डा। ये नहीं जमने वाली। अगर ये नौकरी नहीं मिलती मुझे तो कल से डैनी दफ्तरों के चक्कर काटना बंद करने वाला है। क्यों? आखिर कब तक यार, आई एम ब्लडी फेड अप। अरे आओ अंजू आओ बैठो।
क्या बात है, इतनी परेशान नजर आ रही हो? ये नौकरी चीज ही ऐसी है यार, जिनको मिलती है वो परेशान, जिनको नहीं मिलती वो भी परेशान। आज बॉस ने मुझे डिनर पे बुलाया है, सोच रही हूँ जाऊं या ना जाऊं। वादा करके आई हो तो जरूर जाना चाहिए। नहीं, वादा तो नहीं किया, मगर ना भी नहीं किए। चली जाना, डिनर तक तो कोई हर्ज नहीं, मगर उसके बाद। बॉय ये कोक लाना। Yes, sir. Permit room mein bahut bheed hai. Don't worry. I've taken only 3 beds. 16 beds. That's all right, sir. By the way, you are non-veg, I think. Yes. I placed the order for dinner. Jab tak dinner nahi aaya, just dance. Please. Ji, mujhe dance nahi aata. Nahi aata? Koi baat nahi, koi baat nahi. Why don't you say something? I have nothing to say, sir. But I have something to say. You are very pretty. बाद में साथ में बोलना भूल जाओ। After dinner you are coming with me. मेरे साथ मेरे घर आ रही हो। जी। घबराने की कोई बात नहीं है। I have purchased a very nice thing for you. मैं आज ही उसे present करना चाहता हूँ। बाद में मेरा driver तुम्हें घर छोड़ आएगा। Don't worry, please. Bye. आपको अंदर बुलाया। आओ आओ मिस्टर डैनी, बैठो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मुझे जमीन से बहुत लगाव है, माफ करना, मुझे कुछ सर्दी से हो गई थी, डॉक्टर ने कहा है ब्रांडी लेने के लिए, तुम लोगे? जी नहीं शुक्रिया। नो फॉर्मेलिटी। जी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। ओ मिस्टर डैनी, मेरा ख्याल है ये नौकरी आपको मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक शर्त है। फरमाइए। दफ्तर के काम के बाद रोज शाम को आपको यहाँ आना पड़ेगा। जी आई डोंट माइंड, लेकिन यहाँ आके मुझे करना क्या होगा? वो ही बताती हूँ। मिस्टर डैनी, मेरी जिप खराब हो गई है, जरा पिन लगा दोगे? दफ्तर में काम करने की प्राइस 450, घर की प्राइस अलग। अंदर आ, तुम तो हम खा घबरा रही हो। कम इन प्लीज, बैठो। अंजू कम हियर। टर्न अराउंड। मगर प्लीज टर्न अराउंड। ये आप क्या कर रहे हैं व्याजी? Give me your hand, please. लेकिन please. I have not finished yet, my dear. How beautiful it is. Is it not wonderful? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। Please put it on. देखिए, आप शायद। Please, this is my last request.
मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, एक बार पहन लो मैं देख लू। लेकिन मिस्टर व्यास, अंजू प्लीज, दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, मुझे गलत ना समझो, वो रहा बाथरूम, देख लो, गो, डोंट बी अ चाइल्ड माय गर्ल, प्लीज। अब मैं जाऊं? आग लगा कर चले जाओगी? मिस्टर व्यास, तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है और मैं खूबसूरत जिस्म का फैदाई हूँ, दीवाना हूँ। मुझे व्यास जी, घबराओ नहीं अंजू, जबरदस्ती करना मेरे उसूल के खिलाफ है, लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से ज्यादा जरूरी नहीं? मगर आप ही ने तो कहा था कि ना करने पर भी मेरी नौकरी जाएगी नहीं। अगर सीधी तरह मान जाती तो ठीक था, लेकिन जब मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। 500 रुपए तनख्वाह कर दूंगा तुम्हारी। 5000 करने पर भी आपकी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अब सुनाओ क्या हाल है? अरे क्या बात है यार, कुछ बुझे बुझे नजर आ रहे हो। दिलीप, कल से मैं भी तुम्हारे साथ गैरेज में काम करूंगा। अभी अभी तुम्हारे मालिक से मिल के आया। अब क्यों भाई, वो दफ्तर में नौकरी वोकरी नहीं मिली क्या? अरे दफ्तरों में नौकरी देने वाले सभी पोखरी चलते हैं यार। मैं संजो, हो सकता है आज तुम्हारा जिस्म तुम्हें जिंदगी की जरूरतों से ज्यादा प्यारा हो, मगर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें जिस्म से ज्यादा जरूरी हो। उस वक्त मुझे भूलना नहीं। बाय। बेटा, वो लड़का जो तुमने आशा के लिए पसंद किया है, उसके पिता आए थे। अशोक के पिताजी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। सच बाबू जी? हाँ, मगर एक शर्त है। वो 3 लाख कैश, एक बंगला और एक कार देंगे, अगर अशोक की शादी आशा से और तुम्हारी शादी उनकी बेटी से हो जाए। फिर आपने क्या कहा बाबू जी? मैंने सोचा इतने अच्छे रिश्ते को पक्का करने में देर क्यों करूं, हाँ कर दी। अरे अंजू आओ आओ। क्या बात है, इतनी परेशान नजर आ रही हो? नौकरी गई। क्या डिनर के बाद? डिनर के बाद। दिल छोटा मत करो, दूसरी मिल जाएगी। मेरे साथ तो इससे ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या? चलो कहीं और चलें, फिर बताता हूं। मगर ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी विजय, मैं सच कहती हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। अंजू,
अंजू प्लीज। देखो मेरे माँ बाप को 3 लाख रुपए कार और बंगले का लालच लग चुका है, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैं बाबूजी को ना नहीं कह सकता। इसका मतलब है तुम उस लड़की से शादी कर लोगे? ये मैंने कब कहा? मगर इस बला से बचने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ना मत विजय, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मुझे छोड़ना मत अंजू प्लीज। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे प्लीज अंजू। चलिए सेठ जी ने आपको ऊपर बुलाया है। सेठ जी की लड़की है, लंगड़ी है, पागल है। आओ विजय, आओ आओ। मैं अशोक का पिता हूं, कहो तुम्हें क्या काम है मुझसे? आप मेरे बाबूजी से मिलने आए थे सेठ साहब, कुछ शादी की बात करने। हाँ मैं तुम्हारे फादर से मिला था और शादी की बात पक्की कर दी है। आपकी बेटी अपाहिज है, पागल है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके सुख के लिए। सुख खरीदा नहीं जाता सेठ साहब। सुख के साधन तो खरीदे जाते हैं, वही मैं कर रहा हूं। देखिए सेठ साहब, हो सकता है आज मैं अपने माँ बाप की जरूरत के सामने या मैं अपनी बहन की खुशी के लिए मजबूर होकर आपकी बेटी से शादी कर लूं, मगर मगर क्या? क्या ख्याल है आपका? कल जब आशा और अशोक की शादी हो जाएगी, मेरे माँ बाप को 3 लाख रुपया मिल जाएगा, तो क्या मैं? तो क्या करोगे तुम? हो सकता है मैं आपकी बेटी का गला घोट दूं, उसे और अपने आप को जहर देकर मार डालूं। क्या तलाक दे दूं, भाग जाऊं कहीं? विजय सेठ साहब, किसी दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता। विजय एक बात और याद रखिए, कोई इंसान किसी दूसरे को चाहे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, फिर भी वो दूसरे की आंखों से नहीं देख सकता, दूसरे के पांव से नहीं चल सकता, दूसरे के दिमाग से नहीं सोच सकता। उसके लिए अपनी आंखें सही चाहिए, अपने पांव सही चाहिए, अपना दिमाग सही चाहिए। नमस्ते। अरे विजय बाबू, आप शायद मेरे डैडी से मिलकर आ रहे हैं। हाँ मैं भी उन्हीं से मिलने जा रहा हूं, और शायद वही कहने जो आप कहकर आए हैं। लेकिन अशोक, अगर उनका जवाब तुम्हारे लिए भी वही हुआ तो विजय बाबू मेरा जवाब वो होगा जो शायद नहीं होना चाहिए। अच्छा आप चलो, नहीं तो वो सो जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आशा, अरे पगली तू रो क्यों रही है? तू घबरा मत, अगर जरूरत पड़ी तो तेरी खुशी के लिए मैं ये शादी भी कर लूंगा। नहीं भैया नहीं, वचन दो मुझे, अगर अशोक बदल जाए तो भी तुम उस पागल लड़की से शादी नहीं करोगे। आशा भैया। All the animals in the zoo, Bollywood. Hello, Mr. Moshai. हाँ बोलो भाई, क्या बात है? लाइट जलता तो हन बसता तो लाइट जलता। किचु भाई करबे ना डैबू मोशाय, सब ठीक हो जाबे। मोशाय, तुम्हारी गाड़ी को सर्दी लग गई है, थोड़ा सा ब्रांडी पिला दो। क्या कह रहे हैं आप, गाड़ी ब्रांडी पिएगा तो सलाम पेट्रोल पिएगा? नमस्ते जी। ड्राइवर, कोई और गैरेज नहीं मिला था? मिलेगा, ढूंढने से मिलेगा। चलो फिर।
All the animals in the zoo, Palemu. All the animals in the zoo, Palemu. All the animals in the zoo and monkey lost. क्या चक्कर है मिस्त्री मुझा? ये ऐसा चक्कर है प्यारे, जिसके चक्कर में फंसकर चकराकर चित हो जाता है आदमी। अच्छा? तू यार जान के क्या करेगा, अपना काम कर। अरे बहुत हो गया काम, अब ये जाम का वक्त है प्यारे, चल अड्डे पे। यार तू जा आज, मुझे विजय से जरा रेस्टोरेंट में मिलना है, अगर फुर्सत मिल गई तो तुमसे फिर बाद में मिलता हूँ। जरूर आना। लेकिन मेरे घर पे भी किसी बुढ़े आदमी ने ऐसा ही रिश्ता भेज दिया और मम्मी डैडी ने हाँ कर दी तो क्या होगा? अजीब प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की भी। नौकरी तलाश करो या अपने आप को एक दूसरे के लिए बचा के रखने की तरकीबें सोचते रहो। एक काम क्यों ना करें हम? क्या? शादी क्यों ना कर ले हम लोग? शादी कर लेते हैं, नौकरी तलाश करते रहेंगे, क्यों? आओ डैनी। हाय विजय। आओ यार। नहीं मिली ना? क्या? नौकरी मिलेगी भी नहीं प्यारे। आजकल नौकरी के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, पैसा, सिफारिश और इजी सेक्स। और माफ करना, तुम दोनों में ये तीनों चीजें। डैनी, हम लोग सोच रहे हैं पहले शादी कर लें, बाद में नौकरी तलाश करेंगे। बड़ा नेक विचार है यार, लेकिन कुछ दिन के लिए रुक तो जाओ यार, मेरा एक हाथ फर्स्ट फ्लाइट तो लगे यार। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन विजय, आशा की शादी से पहले तुम शादी कर लोगे? पहले क्यों, एक साथ करेंगे। एक साथ? हाँ, देखो भाई, ना तुम्हारे माँ बाप मानने वाले हैं शादी के लिए, ना अशोक का बाप, लिहाजा ये दोनों शादियाँ रजिस्ट्रार के दफ्तर में होंगी, तो एक साथ करने में क्या हर्ज है? ये कोई जरूरी नहीं, मैं मम्मी डैडी से बात कर लूंगी, वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। कोशिश करके देखो, लेकिन अगर वो ना माने तो दोनों शादियाँ रजिस्ट्रार के दफ्तर में कर लेना। आखिर तुम होती कौन हो अपनी शादी का फैसला करने वाली? डैडी, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी और जब हम चाहेंगे होगी। इस जेट एज में हर बात स्पीड से होती है डैडी। तुम चुप रहो, बदतमीज। न हलवा, अंजू को विजय पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। से ये डैडी एंड डैडी मैटर एंड्स, आप इसे खाम का प्रॉब्लम क्यों बनाते हैं? रमेश, जमाना बदल गया है डैडी। ठीक ही तो कह रहा है, आज की दुनिया तुम्हारी हमारी दुनिया नहीं रही। लड़की ने एक भला लड़का पसंद कर लिया है, इसमें तुम्हें क्या इतराज है? ये दुनिया नई हो या पुरानी, बिना कुंडली मिलवाए मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। आज ब्याह और कल तलाक, मुझे भी नहीं चाहिए। ओहो, तो कुंडलियां मिलवाने में अंजू को कब इनकार होगा? तुम भी तो उसके भले के लिए ही कह रहे हो ना। राम राम राम। ये विवाह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। पंडित जी, क्यों नहीं हो सकता? अजी, लगन नहीं मिलता, राशि नहीं मिलती, नक्षत्र नहीं मिलते। इस कन्या की गृह दशा अति भारी है और इस बालक की कुंडली अति निर्बल। यदि ये विवाह हुआ तो इस बालक की जान को भयंकर भय है, अर्थात खतरा, दुर्भाग्य का खतरा, दुर्घटनाओं का खतरा, अर्थात मैं क्या करूं, खतरा ही खतरा। ये विवाह नहीं हो सकता। सुन लिया भैया, लेकिन बाबूजी, भाग्य को बदलने की शक्ति मुझ में नहीं है भैया। मुझ में है बाबूजी, अगर आप आशीर्वाद दे तो। इतने अच्छे घराने को छोड़कर मैंने तुम्हारी जिद के सामने सर झुका दिया था, मगर अब जब कुंडली नहीं मिल रही है तो मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दे सकता। बाबूजी, शादी तो मैं अंजू से ही करूंगा। 3 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं होती है भैया, मैंने कमा कर गवा दिया है और शायद तुम जिंदगी भर कमा ना सकोगे। हो सकता है बाबूजी, लेकिन मैंने जो कुछ पाया वो रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। भैया, इस लड़की से रिश्ता जोड़ने से पहले तुम्हें कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, माँ बाप से, इस घर से। Thank you.
बाबूजी, मैं अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा में बिता सकता हूँ, उम्र भर आपके पांव धोकर पी सकता हूँ, जरूरत पड़े तो जान दे सकता हूँ आपके लिए, मगर आपके इस 3 लाख रुपए के लालच के लिए अपनी खुशियों में आग नहीं लगाऊंगा। विजय माँ, आशा, जो सच्चा प्यार करते हैं वो ना डरते हैं ना दबते हैं। भैया, चलो चलो। हाँ हाँ, जाओ, निकल जाओ यहां से, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें सूरज नहीं देखना चाहता हूं आज से तुम। एक बार फिर सोच लो। जरूरत नहीं है डैडी, जो होना है होकर ही रहेगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि माता पिता का आशीर्वाद ना विजय को मिल सका और ना मुझे, और वो इसलिए कि ना विजय के माँ बाप को उनकी जरूरत है ना आपको मेरी, आपको जरूरत है हमारी कमाई की। अंजू, ये कड़वा सच है डैडी, जो आपके नाम आने पर भी सच ही रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब हम कमाने लगे तो जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे आपके लिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती डैडी। मेरे और विजय के इस रिश्ते से आप बहुत नाराज हैं, मैं जानती हूँ, फिर भी आशा रखती हूँ हम दोनों के खुशी और सुख के लिए कभी ना कभी जरूर प्रार्थना करेंगे आप। कुछ और भी सोचता है तुझे? पीने के बाद बहुत कुछ सोचता है। मारूंगा तुझे। All the animals in the zoo, bale bo, dinky dinky menky re, ke sara bori zo. किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता।
मुझे भी श्रम बनाना चाहते हैं आप? आज की रात में बड़ा रस है। Let us undress ourselves. क्यों? मुझे शर्म आती है। ओहो, फिर वही शर्म? Come on. But what will you do for me? जी मैं समझा नहीं। भाई मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ, 400 रुपए का स्टार्ट है, तरक्की करके 1000-1500 तक पहुँच जाओगे, मगर ये जब भी होगा ना कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पर ओके लिख दूँ, मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? अजीब आदमी हो तुम, तुम इतना नहीं जानते कि आज की दुनिया में इंसान को क्या चाहिए? रुपया, रुपया। देखो भाई, तुम्हारे आने से पहले उसने 4,500 का ऑफर किया, अगर तुम 5,000 दे सकते हो। आप रिश्वत लेकर नौकरी देंगे? अरे रिश्वत कौन कहता है इसे, दिस इज ए बार्गेन, और जब तुम्हें मुझसे फायदा हो रहा है तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं तुमसे फायदा उठाऊं। माफ कीजिए, मेरे पास तो 5,000 है नहीं, और अगर होता भी तो मैं आपको नहीं देता, रिश्वत देना मेरे उसूल के खिलाफ है। ये नौकरी आपको मिल सकती है अगर मैं चाहूं तो। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों चाहूं? आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे मैं ये चाहूं ये नौकरी आपको मिल जाए। जी फरमाइए क्या करना होगा। देखिए मिस नहीं मिसेस अंजना अरोरा। सो मच द बेटर नॉर इज कैट ऑल। I could not follow you, sir. It's nothing much complicated. It's just nothing much complicated, Mrs. Arora. आपको सिर्फ मुझे खुश करना होगा। आपको मुझे प्लीज करना होगा। जैसे कि आप अपने हस्बैंड को खुश करती है। मेरे हस्बैंड तो मेरे एक मुस्कुराहट से खुश हो जाते हैं। Nonsense! मैं कोई मुस्कुराहट में खुश नहीं होता। मुझे और कुछ चाहिए। Rather, मुझे सब कुछ चाहिए। I'm sorry, sir. मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। Next. Miss Rama. अगर मैं ये नौकरी आपको दूं, तो आप मुझे क्या देगी? Sir, if you can lock the door, I can. Right. You are the right person for this job. कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गया हूं? तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर। आहट किसी और के पैरों की भी तो हो सकती थी। जिनकी पूजा करती हूँ उन पैरों की आहट पहचाने में भूल कैसे कर सकती हूँ? अंजू, मैं सोचता हूँ नौकरी तो बिना पैसे या रसूख के मिलेगी नहीं, और ये दोनों चीजें हमारे पास है नहीं, क्यों ना मैं बकायदा टैक्सी चलाना शुरू कर दूं? जैसा तुम ठीक समझो। कल ही जाता हूं सुलेमान चाचा के पास। माँ का दूध नहीं पीता रे, ला इधर। आओ मुन्ना, आओ, बहुत दिनों बाद आए रे। ए अख्तर, ए सारे दो चाय ला इधर। कहाँ है इतने दिन? नौकरी तलाश कर रहा था सुलेमान चाचा। मिली? नहीं, आखिर हार कर सोचा टैक्सी चलाना ही अच्छा है। कल से मैं रेगुलर टैक्सी चलाऊंगा चाचा। तुम भी कमाल की बातें कर रहे हो, अगर यही काम करना था तो इतने साल कॉलेज में क्यों जाया किए? ढेर सारा रुपया तालीम पे क्यों बर्बाद किया? भाई ये काम तो तुम 6 साल पहले भी कर सकते थे।
क्या करूं? सोचा था डिग्री मिलने के बाद नौकरी आसानी से मिल जाएगी, जिंदगी सुख से कटेगी, मगर कहां, डिग्री मिल गई चाचा, नौकरी नहीं मिली और शायद मिलेगी भी नहीं। क्या बच्चों किसी बातें करते हो, अरे तुम जैसे लायक लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? अब क्या बताऊं चाचा, कल ही की बात है, एक साहब मिले, कहते हैं नौकरी मैं तुम्हें देता हूं, 5,000 मुझे दो तब। अच्छा जी, अब आप ही बताइए। तुम एक काम क्यों नहीं करते मुन्ना, वो 5,000 रुपया मुझसे लेके उस साले को दे दो, कल नौकरी करके मुझे लौटा देना। नहीं सुलेमान चाचा, अगर ऐसा ही करना था तो डिग्री लेने का क्या फायदा? आज की दुनिया में सब काम ऐसे ही होते हैं मुन्ने, कौन सा काम है बताओ जो बिना लेन देन के होता है? मैं रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों को बुरा समझता हूँ चाचा, ये मैं कभी नहीं करूँगा। बरखुरदार आज के समाज की बुनियाद है चोरी, ये जिसे तुम लोग क्या कहते हो, करप्शन करप्शन। बेईमानी और रिश्वतखोरी की दुनिया में अगर तुम ईमानदार होकर रहना चाहोगे तो नहीं रहने दिया जाएगा। ये बेईमानी और रिश्वतखोरी का ही फल है कि आज मेरे पास 40 टैक्सी, नहीं तो शायद दो ही हो, नहीं तो शायद साली वो दो भी ना हो। सुलेमान चाचा, आपकी बात सच होते हुए भी सही नहीं है, जहर मीठा होने पर भी जहर ही होता है। सब यही कहते हैं, हमारे जितने भी लीडर हैं ना मुन्ने, ईमानदारी का ही नारा लगाते हैं, मगर असलियत जानते हो क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ चाचा, मैं रिश्वत देकर नौकरी नहीं लूंगा। तो फिर मुन्ना, मैं तुम्हें टैक्सी चलाने के लिए नहीं दूंगा। किसी साले को रिश्वत देना तुम्हारे असूल के खिलाफ है, और किसी भी रिश्वत के खिलाफ लड़ने वाले इंसान की मदद करना मेरे असूल के खिलाफ है। मैं रिश्वत के खिलाफ लड़ नहीं रहा हूँ चाचा, मैं कोई समाज सुधारक भी नहीं हूँ, और मैं किसी किस्म का रेवोल्यूशन भी नहीं लाना चाहता, मैं तो सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। यही तो मुश्किल है मेरे अजीज, अगर एक ईमानदार इंसान भी चैन की जिंदगी बसर करता है तो मौजूदा समाज को खतरा पैदा हो जाता है। चाचा मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चाचा हो सकता है कानून के हाथ आप तक कभी ना पहुंच सके, क्योंकि आपके चारों तरफ चांदी की दीवार तनी हुई है, लेकिन कुदरत के भी हाथ बहुत कम हैं। मेरे अजीज, ये तमाम नफ्स जिससे एक इंसान डरता है, मिसाल के तौर पे कुदरत, नर्क, तकदीर, ये सब उन लोगों के घड़े हुए हैं जो इस समाज को चलाते हैं। किसी को रोटी ना देनी हो ना तो कहेंगे तुम्हारे मुकद्दर में ही नहीं है, किसी को तसल्ली देनी हो तो कहेंगे अल्लाह भूखा जगाता है सुलाता नहीं, और तुम जैसे ईमानदार आदमी से अच्छा काम लेने के बाद डालना हो ना तो तुम्हें गीता सुनाएंगे, कहेंगे काम करते जाओ, कर्म करते जाओ और अगले जन्म में मिलेगा। आंखें खोलो मेरे बच्चे। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आपका चाचा, अच्छा अब चलता हूँ। मेरी बात मान जाओ मेरे बेटे। चाचा जिस दिन अपने आदर्श से गिरूंगा आप ही के कदमों में नजर आऊंगा। चाचा चा लीजिए। चा। सर tomorrow we got the elephanta caves, I'll take my camera, you take your body, okay? My body? Yeah, we go there to give your body a natural setting, okay? You mean it's my body you are interested in? Correct! What else could an artist or say any other man for that reason be interested in a girl for? That means I will have to be a nude. Right, right. Do you understand? Huh? Isn't that wonderful? Yes, wonderful. Good day, Mr. Jolly. Hey, listen, I could pay you a little bit more. Oh, these Indians, always mysterious. और लग जाएंगे, तब तक के लिए ये सेकंड हैंड खरीद लिए, काम तो चलना चाहिए ना।
मगर ये सब शादी वादी कर ली है क्या? अरे छोड़ना, शादी क्या करनी? तो फिर बस यूं ही छोटा मोटा धंधा शुरू किया था, चल निकला। आज घर में दाल सब्जी कुछ भी नहीं है, चाय के साथ रोटी। अरे अंजू तुम्हें मालूम नहीं, ये चाय के साथ रोटी तो कभी कभी मुर्ग मुसल्लम से भी ज्यादा जायकेदार लगती है। हाँ। विजय जी मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत किया कीजिए, तुम्हारे साथ तो मुझे जो कुछ भी मिले वो दुनिया की सबसे ज्यादा जायकेदार चीज होगी मेरे लिए। और मेरे लिए भी गोभी से अच्छी भाजी और मंजू से अच्छी भाभी दुनिया में कहीं नहीं। अरे डैनी देखो मिस्टर आदर्शवादी, मुझे लगी है भूख, भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा इसलिए अपनी मनपसंद की भाजी लेकर आया। इसमें आसान वैसान का कोई चक्कर नहीं है, भाभी जरा खाना ज्यादा बनाना, दिल्ली पे आने वाला। लेकिन डैनी तुम मेरे घर खाना खाने आओ और सब्जी खुद खरीद के लाओ ये अच्छी बात नहीं है। देखो दिस इज नॉट फेयर, तुमने बुलाया था क्या मुझे? तो मैं अपनी मर्जी से आया हूँ इसलिए मनपसंद की भाजी लेकर आया, जब तुम बुलाओगे ना तब खाली हाथ आऊंगा। ओके लेकिन डैनी अंजू तुम खाना बनाओ, अभी इसका लेक्चर चलता ही जाएगा। चलो मैं तुम्हारे साथ देता हूँ। तीन पांव से लाया हूं पीछे। कहने पर भाभी कहां है? दिलीप मैंने तुम्हें मना किया था कि विजय के घर में शराब लेकर नहीं आना। अरे डैनी अब्बा मैं विजय के घर शराब लेकर थोड़ी आया हूँ, शराब मुझे विजय घर तक लाई है। हाँ हाँ अगर इसे नहीं खरीदता तो अड्डे से उठता कैसे, तुम तो जानते हो। अब यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो 1 2 3 है? तुम दोनों की कसम मैंने आज बिल्कुल नहीं पी। अब तो अंदर आने दो यार, भाभी गोभी तैयार है। ये रही तुम्हारी अंगूठी अमिता जान, सो स्वीट। और ये हैं 5,000 रुपए। अब इस महीने मुझसे कुछ नहीं मांगना। ये क्या सेठ जी, आप तो नाराज हो गए। विजय मैं जानता हूँ जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं उन सब में डिथोरिंग केस तुम्हारा है। मैं पर्सनली तुम्हारी काबिलियत भी जानता हूँ और साथ ये भी जानता हूँ जिस लड़के के लिए सबसे बड़ी सिफारिश आई है जिसे ये नौकरी दी जाएगी वो किसी काम का नहीं है, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। जब आप इतना कुछ समझते हैं तो फिर रिवोल्ट क्यों नहीं करते इस प्रेशर के खिलाफ? विजय मेरी उम्र 50 के करीब है, मेरे 4 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़कियां हैं जिनकी शादियां करनी है और फिर शायद आप ठीक ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। समझना कि साली कुदरत के हाथ मुझ तक पहुंच गए हैं या मेरे गिर तनी हुई चांदी की दीवार गिर गई है या करप्शन चोरी बेईमानी और रिश्वतखोरी का मुंह काला हो गया है। यह तो साला एक्सीडेंट था जो कहीं भी कभी भी किसी के साथ हो सकता था, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। पर मुन्ने अगर यह साली बेईमानी की सजा है तो हमारे मुल्क के 90% लोग मेरी हालत में अस्पतालों में होने चाहिए थे। सलमान चाचा मैं तो ये देखने आया था आप कैसे हैं। अच्छा हूं और अगर नहीं तो हो जाऊंगा, साला सब बर्बाद हो गया।
कोई बात नहीं, फिर बना लूंगा। एक्सक्यूज मी, इन्हें ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं है। अच्छा चाचा, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। संसार है, सब आ गए। मुझे कितने घंटे बाद होश आया। बीस अंजू, मेरी टांगे, मेरी दोनों टांगे अंजू। संभालो अंजू, अब इस अपाहिज को भी तुम्हें ही संभालना होगा। डैनी, मुझे घर ले चलो भैया, लेकिन मैं इस हालत में मिस्टर अरोरा को हॉस्पिटल से ले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। हिज कंडीशन इज ऑलमोस्ट सीरियस, आई एम सॉरी। नो नो, कम बात कोई लॉटरी भी नहीं लगती ताकि किसी दोस्त के काम आ सके। डैनी चल जल्दी से नौटांक मार ले, आज विजय के पास अस्पताल में ही सोएंगे। दिलीप, ये शराब दुख की आग को ठंडा करती है ना। अरे अपना दुख तो दोस्त का दुख है यार, इस दुख की आग तो पीने के बाद और भी भड़केगी। चल चल। विजय, अब एक मिनट के लिए भी हॉस्पिटल में रहने को तैयार नहीं है डॉक्टर। वो घर जाने के लिए बहुत तड़प रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं उन्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो घर पहुँचकर इतने दुखी नहीं रहेंगे। अगर आप मजबूर करती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ले जाइए विजय को। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, जख्म भी कच्चे हैं, जब तक सूख नहीं जाते रिस्क है।
आपको कम से कम एक महीने तक रेगुलरली एंड सीरियसली इलाज जारी रखना पड़ेगा। बहुत केयर करनी पड़ेगी। इंजेक्शन और दवाइयों में एक दिन का भी नागा नहीं पड़ना चाहिए। जी। अब तो तुम्हारी लॉटरी के 3 लाख रुपए भी कुछ नहीं कर सकते ना। अंजू, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तो हो गया, मुझे उठाना और लेटाना, फिर उठाना फिर लेटाना, बस इसी में बीत जाएगी। तुम्हारी सेवा से अच्छा काम और हो भी क्या सकता है मेरे लिए। चाय बनाओ, पियोगे? सबके लिए बनाओ अंजू, मैं भी पी लूंगा। खड़े क्यों हो गए डैनी, बैठो ना। मजबूरी को कभी कभी कितने अच्छे रंग में रंग लेता है इंसान। आओ सुलेमान चाचा। मुन्ने, जो कुछ भी मैंने कहा था उससे मेरा ये मतलब नहीं था। सुलेमान चाचा, ये एक्सीडेंट है, कहीं भी कभी भी किसी को भी पेश आ सकता है। मैंने उस दिन तुम्हें टैक्सी चलाने को क्यों ना दी? हो सकता है तुम टैक्सी चला रहे होते तो ये एक्सीडेंट ना होता।
इससे भी खतरनाक हो सकता था। अजीब गोरख धंधा है ये सारी जिंदगी भी, कुछ समझ में नहीं आता। हार ना मत बेटे, जिससे लड़ने की शक्ति छिन जाए सुलेमान चाचा, उसके लिए हार जीत बेमानी हो जाती है। कुछ साला बेमानी नहीं होता मुन्ने, विश्वास मत खो बैठना, विश्वास से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। बेटे अगर तुमने विश्वास खो दिया तो साली दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। भरोसा रखना मेरे अजीज। साथ इतना प्यार कब तक निभा सकोगी? हाँ तो शोधी बातें मत करो अंजू, ये सब ढकोसले हैं, बकवास है। एक बिना टांग वाले बेकार आदमी के साथ एक लड़की अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकती, चाहे वो इंसान उसका पति ही क्यों ना हो। मेरे पांव नहीं है अंजू, बात किया करो। आज तुम्हारी हालत कुंडली देखने अपने पंडित ने ठीक ही कहा था, उसे शादी करते ही घर छोड़ना पड़ा। सॉरी अंजू, मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। सच करती मुझे मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत, तुम्हारे साथ जिस हाल में भी रहो मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे। हेलो, हाँ अमिता है क्या? जी नहीं, वो बाहर गई है। बाहर? कश्मीर गई। हेलो हेलो, अंजू
इस दुनिया में मेरे जैसे बिना टांगों वाले और भी लोग होंगे जिनकी कोई अंजू नहीं होगी। मुझे क्या मालूम, मैं तो सिर्फ एक ही को जानती हूँ जो मेरी जिंदगी है। मेरा मतलब था सरकार ने ऐसा कोई आश्रम खोला होगा, ऐसी कोई संस्था होगी जहाँ मेरे जैसे बेकार बेसहारा लोगों को। अपने आप को बेसहारा कहने से पहले मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? ओहो अंजू, तुम तो बात बात पर रोने लगती हो। जरा प्रैक्टिकल साइड भी तो देखो, कितनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, कैसे कटेगी? अंजू प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो बात सीखी जाके कलेजे में लगती है वो क्यों कहते हो? जरूर तेरा आका से काम लो, मैं तुम्हारे पैरों से नहीं कहता था। मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोई सरकारी आश्रम तलाश करो, मुझे वहां छोड़ दो और भूल जाओ, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ मुझे अंजू। अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, जिंदगी जीने के लिए होती है अंजू, उसी मुर्दे के गले में बाहें डालकर रोने के लिए। मैं जान दे दूंगी, फिर उसके बाद जो जी चाहे करना, जहां जी चाहे जाना। मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था मिसेज अरोड़ा, आज चौथा दिन है और इलाज का कोई इंतजाम नहीं। आखिर आप समझती क्यों नहीं, क्या विजय की जिंदगी आपको प्यारी नहीं? जी। अगर जख्मों में पस पड़ गई तो? ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं आज कुछ भी करके दवाई और इंजेक्शन ले आऊंगी। मैंने आपको समझा दिया है, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। जो इंसान चलने के काबिल नहीं रहा उसके साथ जिंदगी कैसे बिताएगी तू? माँ मैं ये सब सुनने नहीं आई हूँ, कुछ पैसे हो तो दो, पैसे कहाँ, एक मशीन थी वो बेच कर तुम्हें दे दी, और जो गहने थे वो तुम लोगों की पढ़ाई में चले गए, अब तो मेरे पास कुछ ही नहीं है बेटी। सर आपसे एक लड़की मिलने आई है। लड़की इस वक्त फौरन भेजो। आइए। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। मेरी ऑफर तुम्हें याद रही? गुड, वेरी गुड, वेलकम। Thank you.
अरे सुनो, हाँ, मेरा कोई मनी ऑर्डर है क्या? क्या नाम है? चंदू। नहीं। अरे सुनो 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 सुनो, तुम मनी ऑर्डर वाले ही हो ना? हाँ। अब तो मैं। अरे 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 मान ली है, मगर तुम मत हारना। तुम्हें मेरी कसम, जिंदगी को नए ढंग से, नए लोगों के साथ, नए रंग में शुरू करना। मुझे मौत आई नहीं, मैंने मौत को बुलाया है, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे अंदर। कितने दिनों से तुम्हारे होठों पर हंसी नहीं देखी। तुम जब फिर से हंसने लगोगी, मैं जी उठूंगा। और सच मानो, तुम्हारी कसम, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम फिर से हंसने लगो।
हंसोगी ना मेरी खातिर, अपने विजय की खातिर? हंस तो ना प्लीज अंजू, तुम्हारा विजय। All the animals in the zoo, Balebo. All the animals in the zoo, and monkey loves the kangaroo. Inky dinky, Balebo. मैंने कहा था ना, तुम्हारा नाम का फर्स्ट प्राइज आएगा, आ गया। अंजू, अंजू आज तुम्हारा आदर्श बाजी बाजी हार गया है। ये देखो, इसके नाम की लॉटरी की टिकट लगी है। ये देखो, मैं 3 लाख रुपए लेकर आया हूँ। 3 लाख, 3 लाख। विजय, अब की बार नाम मत कहना, हाँ? तुम लोग नाम मत कहना, अब की बार। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? दीदी, दीदी देखो, दीदी विजय की दवाओं के लिए रुपए।